ये यहाँ पर खड़ा है बबलू और इसके सामने है बहुत सारी नीलगाय। पता नहीं कितनी सारी काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस नीलगाय है यहाँ पर बैठी हुई। बबलू कहाँ जा रहा है बेटा, क्यों उनको छेड़ने के लिए जा रहा है? चुपचाप बैठी तो है वो। दो नीलगाय खड़ी हो गई बबलू को देख कर। कालू मामा की तबियत सही नहीं है वरना कालू मामा भी जाता। राधा मैं तुझे भी देख रहा हूँ, गलत मत खाना कुछ। बबलू आ जा यहाँ से। राधा भी पास में जा रही है धीरे धीरे गर्दन नीचे करके। नीलगाय अब राधा को देख रहे हैं, अब वापस बबलू को देख रहे हैं। आजा बबलू। पांडा वह खोपचे में पता नहीं क्या कर रहा था, अभी आया ये भी और ये भी भाग कर जा रहा है उनके पास। वहाँ एक नीलगाय खड़ी होकर जाने लगी। राधा पांडा बबलू सब के सब मिल चुके तीनों के तीनों, और तीनों की टीम होने के बाद में सारी नीलगाय खड़ी हो गई। राधा ने सबसे पहले हमला किया और डर कर पीछे भी आ गई। ग्रुप की सीनियर नीलगाय आगे आई। अरे मत करो यार, क्यों छेड़ रहे हो बिचारी को, आ जाओ ना इधर। चलो 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 आ जाओ बेटा। वो गए, ले चलो आ जाओ। फाइनली वो गए बेचारे, उनको डिस्टर्ब कर दिया। उठाकर भेजने के बाद इनको शांति मिलेगी। डर रहे और डरा भी रहे, ये क्या बात हुई यार? या तो डरो मत या प्रॉपरली डराओ। बस गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कालू मामा उनको बुलाना, फिर चलते घर पे, तेरी तबीयत सही नहीं है, कमजोर हो गया कालू।